आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 3/8 एंड 2/5। ये आपको टोटल पांच पार्ट गिवन है। इन पांचों पार्ट के अंदर क्या गिवन है आपको, हमको रेशनल नंबर फाइंड करना है आपको, ठीक है। दो दो नंबर्स गिवन है, उन दो नंबर्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाला कोई एक रेशनल नंबर बताना है आपको, कोई भी एक रेशनल नंबर अपना। सो देखो, रेशनल नंबर होता क्या, पहले वो जान लेते हैं। रेशनल नंबर वो नंबर है जिसको आप पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्यू जीरो के इक्वल नहीं होगा, जिस भी नंबर का पी बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो वो अपना एक रेशनल नंबर है, ठीक है। सो फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया, फर्स्ट पार्ट में है अपने पास 3/8 एंड 2/5। ये एक नंबर, दो एक नंबर की बना है। मैं दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लेता हूँ। मैं क्या करूँगा, इसको ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, इसको ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा 15/40। और 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 16/40 अपने पास यहाँ से, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे बेसिकली, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे इसको 8 से मल्टीप्लाई किया, सर दर्ड इनका डिनोमिनेटर सेम बन रहा है। अगर मैं इनको दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों को, पूरे पूरे को, तो ये बनेगा मेरा 30/80। और ये कितना बनेगा मेरे पास, 32/80। अब मैंने दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो देखो इनके बीच में एक नंबर लिख सकता हूँ मैं, 30/80, 32/80 के बीच में नंबर आएगा 31/80। तो ये मेरा एक रेशनल नंबर है मेरा 31/80, तो जो उसके बीच में लाई करेगा मेरा। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 31/80। अब सेकंड पार्ट को देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में 1.3 एंड 1.4 अपने पास ये है। सो 1.3 को हम कैसे लिख सकते हैं, 13/10। 1.4 को लिख सकते हैं हम 14/10 अपने पास, ठीक है। ये दो फ्रैक्शन फॉर्म में, पी बाई क्यू फॉर्म में लिख दिया। इनके बीच में अगर रेशनल नंबर लेना चाहूँ तो मैं 1.35 ले लूँ। मैं 1.35 को कैसे लिख दूंगा मैं, 1.35 इज 135/100। सो ये भी मेरा पी बाई क्यू फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और 1.35 जो है मेरा वो इन दोनों के बीच में लाई भी करता है। तो इसका जो आंसर होगा सेकंड पार्ट का, वो होगा 1.35। फर्स्ट पार्ट का आंसर 31/80 था। अब देखते हैं थर्ड पार्ट। हमें कोई भी रैंडमली रेशनल नंबर चूज करना है इनके बीच में, -1 एंड 1/2। सो क्या किया मैंने, -1 एंड 1/2, इसके बीच में कोई रेशनल नंबर हमको चूज करना है, तो मैं इसको चूज कर सकता हूँ -1/4। -1/4 होता है मेरा -0.25, और ये क्या है मेरा -1 एंड 0.5। तो -0.5 जो है मेरा इसी बीच में लाई करेगा, और वो पी वाई क्यू फॉर्म में भी है मेरा, तो जो उसका आंसर हो जाएगा मेरा -1/4 हो जाएगा अपना। अब थर्ड फोर्थ पार्ट का अपना देखते हैं, -3/4 एंड -3/5 है। -3/4 एंड -2/5 है, यही अपने पास है यहाँ पर, ठीक है। सो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको भी इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे इस पूरे को 4 से मल्टीप्लाई, तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -15/20, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8/20, ठीक है। सो इनके बीच में रेशनल नंबर ले सकता हूँ मैं यहाँ पर -11/20। ये -11/20 मेरे इसके बीच में लाई भी करेगा मेरा, क्योंकि देखो नेगेटिव में दोनों नेगेटिव नंबर है मेरे, और नेगेटिव में जिन डिनोमेटर सेम है मेरे, तो न्यूमरेटर जितना मेरा बड़ा है उतनी वाली छोटी होगी मेरी, तो ये मेरा नंबर से बड़ा है, ये छोटा है मेरा, उसके बीच में लाई करेगा -11/20, तो एक रेशनल नंबर हो जाएगा मेरा इसके बीच में। फिर अपना फिफ्थ पार्ट, जो लास्ट पार्ट है, 1/9 एंड 2/9। सो 1/9 एंड 2/9, सो देखो इसको क्या कर सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि दोनों का डिनोमेटर सेम है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बनेगा मेरा 5/9 एंड 10/9। दोनों को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये बन गया मेरा यहाँ से 5 से, अच्छा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये बनेगा 5/45 मेरा, और ये बनेगा 10/45 मेरा यहाँ पर, ये नंबर बन गए। अब इनके बीच में कोई भी एक नंबर चुन लो, यहाँ पर मेरा 5/45 एंड 10/45 के बीच में चुन लिया मैंने 6/45 मेरा, तो 6/45 के बीच में लाइक करेगा, और वो मेरा रेशनल नंबर है मेरा, ओके। सो ये रहेंगे रिक्वायर्ड आंसर अपने। थैंक यू फ्रेंड्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।